everyone, welcome back to my channel. So today there will be CNT plus makeup training in this Haflong DLCP. So we are all ready and we are waiting for other people to arrive. So here with me, sir Azo. Hi Bolo. Hi, good morning everyone. Okay, good morning. So we are all ready. And I'll show you when the training start. So see you later. Bye. Let us all welcome our ma'am Lakshmi Basmatari. Okay. और ये पहचान जो आप लोग इसका वैसे आज लास्ट से है. ये बिल्कुल 2500 में हमें ये स्कीम में आया है. अगर आप मिसल और मिलान स्कीम फॉर्मुला 9 और न्यू गार्डन का अगर कोई भी बिलिंग करते हो, ये 19 नवंबर से स्टार्ट हुआ था. लास्ट डे, ठीक है. अगर अभी तक अवेल नहीं किया तो चाहते चाहते आप अवेल करके जा सकते हो. और एक चीज मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है आज कि आज का जो क्राउड है हमारे जो है ही साथ ही साथ बहुत सारे शायद आप लोग स्टूडेंट्स हो, राइट? ओके. मतलब उसमें कुछ है ना कारण कि आप लोग कुछ करना चाहते हो. यू पीपल आर डिफरेंट. सो पहला रूल हो गया कि मेरा स्किन टाइप क्या है, मेरा स्किन प्रॉब्लम क्या है, मेरे स्किन कंसर्न्स. उसको जानने के बाद, उसको आइडेंटिफाई करने के बाद ही आपको उसका जो सही प्रोडक्ट है वो चूज करना है. फॉर एग्जाम्पल ये क्रीम है जो की ड्राई स्किन के लिए बनाया गया है. जैसे सर का ड्राई है, मेरा बहुत ज्यादा ऑयली है, लेकिन हम दोनों को पता ही नहीं है. सर भी यूज कर रहे हैं, मैं भी यूज कर रही हूँ. तो सर को बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेगा लेकिन मुझे नहीं मिलेगा. तो उस टाइम पे क्या होगा, मुझे बुरा लगेगा. जिसने मुझे मतलब सजेस्ट किया उनको मैं खराब पाऊंगी, कंपनी को खराब पाऊंगी, कैसे प्रोडक्ट बनाया मेरे, मुझे तो सूट ही नहीं किया, राइट? इसीलिए कोई भी स्किन केयर प्रोडक्ट लगाने से पहले आपको अच्छी तरीके से पता होना होगा कि आपकी स्किन टाइप क्या है, आपकी स्किन प्रॉब्लम्स क्या है, अकॉर्डिंगली आपको प्रोडक्ट चूज करना होगा. तो पहला रूल क्या है, चूजिंग द राइट प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू योर स्किन नीड और योर स्किन रिक्वायरमेंट, ठीक है. ये हो गया पहला रूल. सेकेंड रूल हो गया, कोई भी स्किन केयर के प्रोडक्ट्स अगर आपको सही में रिजल्ट चाहिए तो एवरी डे दो बार, दिन में एक बार और रात में एक बार लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है. सो ये अक्सर हम लोग भूल जाते हैं. दिन का तो हम लोग लगा लेते हैं लेकिन रात के टाइम पे हम लोग काम से थके हारे आते हैं, ऑफिस से, अपने बिजनेस ट्रिप से, मीटिंग से, तो हम लोग सोचते हैं कि अभी रात का ना स्किप कर देते हैं, होता है ना? Yes. और कभी कभी सोचते कल से जो पक्का करूंगी यार, सिर्फ आज का छोड़ देती हूँ, कल से पक्का करूंगी, वो कल कभी आता ही नहीं है. एक दिन लगा लिया, 20 दिन, 3-4 दिन आप लोग क्रीम की तरफ देखते ही नहीं है तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा. कंसिस्टेंसी, वो हमारा 60-100 PV वाला कंसिस्टेंसी नहीं, रेगुलरिटी. मैं जैसे हमेशा बोलती हूँ जिस तरीके से हम लोग सुबह सो के उठने के साथ ही साथ हम लोग ब्रश करते हैं, राइट? विदाउट ब्रशिंग आवर टीथ, विदाउट टेकिंग बाथ, हम लोग करना स्टार्ट करोगे तो ऑटोमेटिकली आपका आ जाएगा. अगर आप एक दो दिन करना स्टार्ट करोगे ना, ये आ ही जाएगा. अगर स्किन केयर के बिजनेस का और एक ब्यूटी मैं आप लोगों को बताती हूँ, स्किन केयर के अंदर ना लोग अगर किसी को ड्राई जो भी हो, राइट, ऐसे स्किन टाइप को भी कभी कभी सेंसिटिविटी हो सकता है किसी भी कारण से, ठीक है. अदरवाइज वी हैव 4 टाइप्स ऑफ स्किन. इतना क्लियर है सबको? Yes. अभी सेकेंड हम लोग बात करेंगे कि किस तरीके से हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कोई स्किन ऑयली है, नॉर्मल है, ड्राई है, किस तरीके से हमें समझ में आएगा, राइट? सो ऑयली स्किन इज वेरी इजी टू आइडेंटिफाई, राइट? ऑयली स्किन हमें देख के, अगर किसी का स्किन बहुत ज्यादा शाइन कर रहा है, मतलब ऑयल से निकला हुआ है, फेस में एक्नेस हो सकते हैं, पिंपल्स हो सकते हैं, पिंपल्स के बाद के जो दाग है वो हो सकते हैं, बड़े बड़े ओपन पोर्स हो सकते हैं, ब्लैक हेड्स हो सकते हैं, तो ऑयली स्किन इज वेरी इजी टू आइडेंटिफाई, राइट? यस और नो? यस. एनी डाउट्स? नो. नो ना? फिर ऑयली स्किन समझ में आ गया. फिर ड्राई स्किन. ड्राई स्किन मतलब ड्राई स्किन वाले जैसे हम लोग अक्सर बात करते हैं कि कोई बहुत ही स्किन का कलर जो है ना बहुत ही फेयर है लेकिन अब उसमें बिल्कुल ग्लो नहीं है, डल है, होता है ना ऐसा स्किन टाइप. हम लोग बोलते हैं कि इतना ओली है, फेयर है, लेकिन स्किन में ना बिल्कुल ही ग्लो नहीं है, ऐसे टाइप स्किन ड्राई स्किन होते हैं. और साथ ही साथ ड्राई स्किन का जो स्किन टोन होता है ना वो मतलब अनइवन होता है, इवन नहीं होता है. अनइवन मतलब चारों तरफ ना मेरा स्किन जो टोन है वो समान ना होना, सेम नहीं होना. स्पेशली कौन सा ड्राई स्किन को आप बोल सकते हो कि जो डाल होता है, अनइवन होता है. स्पेशली अभी विंटर के टाइम पे आप लोग देखना हमारे स्किन में ना व्हाइट पैचेस आ जाते हैं. कम एज भी है ना, सो फाइन लाइन, सो साइन ऑफ एजिंग जिसको बोलते हैं हम लोग,
आइस के एरिया में, फोरहेड के एरिया में, इस एरिया में बहुत ही कम एज में स्टार्ट हो जाते हैं। और हमारा हाफलों भी थोड़ा ड्राई ही है ना जगह, राइट। सो यहाँ पे आप लोग को अच्छी तरीके से अपनी स्किन को ध्यान रखना जरूरी है, इसलिए देखना यहाँ पे आप लोग का कम एज में भी ना बहुत जल्दी रिंकल्स स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि आप लोग का वेदर यहाँ पे ड्राई है, ठीक है। तो ड्राई थोड़ा आइडिया मिल गया, ड्राई मतलब ऐसा भी आप लोग सोच सकते हो कि कभी कभी ना आप फेस वॉश करने के बाद जब तक कोई एक क्रीम या लोशन नहीं लगाते ना, बहुत ज्यादा खींचने लगता है, स्किन टाइट हो जाता है, ठीक है। सो ये है ड्राई स्किन के मतलब जो भी सिम्टम्स। फिर नॉर्मल स्किन इज द बेस्ट वन बट वेरी रेयर, बहुत ही कम लोगों को ही मिलता है, जिनका स्किन बहुत ही हेल्दी है, बेस्ट है, ड्राई भी नहीं है, ऑयली भी नहीं है, जो मीडियम में है, ठीक है। और बहुत ही कम लोगों का ही होता है नॉर्मल स्किन, जो कुछ भी लगाते हैं कोई भी सूट कर जाता है, कुछ प्रॉब्लम ही नहीं होता है। कभी 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 कभार अगर ओकेजनली कुछ हुआ तो अलग बात है, अदरवाइज नॉर्मल स्किन इज द बेस्ट वन। फिर फोर्थ इज कॉम्बिनेशन स्किन। कॉम्बिनेशन मतलब जब हम लोग बात करते हैं कि मेरा स्किन ना ऑयली जैसा भी लगता है, ड्राई जैसा भी लगता है, नॉर्मल जैसा भी लगता है, होता है ना। और इंडिया में ना मैक्सिमम स्किन टाइप कॉम्बिनेशन ही होता है, राइट। जैसे टी जोन, हम लोग टी जोन बोलते हैं, जैसे फॉरहेड एरिया ना ऑयली होगा, ये नोज एरिया ऑयली होगा, लेकिन आपके जो गाल है वो ड्राई भी हो सकता है, नॉर्मल भी हो सकता है, ऐसे स्किन टाइप को हम लोग कॉम्बिनेशन स्किन बोलते हैं। मेबी मतलब ज्यादातर हमारे इंडिया में ऐसे टाइप की स्किन होता है, ठीक है। और जब कॉम्बिनेशन स्किन होता है तब प्रोडक्ट आप लोगों को मिक्स मैच करके लेना होता है, जैसे अगर आपका ऑयली है तो फिर ऑयली का ले लिया, ड्राई है तो ड्राई का ले लिया, नॉर्मल टू नॉर्मल, लेकिन कॉम्बिनेशन जब होता है तो आपको थोड़ा सा प्रोडक्ट को मिक्स मैच, जैसे आपका मे भी ये ऑयली है ये ड्राई है, तो ऑयली और ड्राई मैं बताऊंगी। तो डीप क्लेंजिंग ऑयल को यूज करने का टेक्निक थोड़ा अलग है। वैसे तो हम लोग जब भी कोई भी फेस वॉश इवन आप लोग ऐसे ही फॉलो कर सकते हो, अश्योर का हमारा जो क्लेरिफाइंग फेस वॉश है, फिर फॉर्मिंग जेल फेस वॉश है, राइट। सो कोई भी फेस वॉश यूज करने से पहले आप लोग फेस में ना पानी ऐड मत करो, ठीक है। वैसे हम लोग क्या करते हैं, पहले पानी ऐड कर देते ना फेस में, तो पानी जब हम लोग ऐड करते हैं तो हमारा स्किन ना बहुत स्लिपरी हो जाता है, फेस वॉश वो अच्छी तरीके से साफ नहीं कर पाते, तो पहले स्किन को ड्राई ही रखना, ठीक है। तो अभी मैं इसे ड्राई करके रखूंगी, वैसे तीनों सब पानी ऐड करूंगी।
लगा के फिर टच करके देखना स्किन को। Today we are done with today's makeup training. Now we're going back home. We are on the way, and thank you ma'am and sir for dropping me. okay so I'm in this wonderful car, yeah, on the way. Bye. So guys, thank you everyone for watching. This is all about today's Ministry of Milan training in Haplong DLCP. So I was the makeup artist for today, and yeah, so this is all about it. You can see me. Okay, thank you everyone for watching. Bye.